भारत की राजनीति का एक अनमोल सितारा आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। भारत में वामपंथ की राजनीति को करीब 45 साल तक अपना मार्गदर्शन देने वाले सीताराम येचुरी नहीं रहे। येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के प्रमुख थे। सीताराम येचुरी 17 साल की उम्र में राजनीति में आए। येचुरी को आपातकाल के दौरान राजनीतिक पहचान मिली। कहा यह भी जाता है कि इमरजेंसी में येचुरी की मोर्चाबंदी से मजबूर होकर इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पद से इस्तीफा दे दिया। 1990 के दशक में सीताराम येचुरी CPM के पोस्टर बॉय थे। मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना हो या नेशनल TV पर डिबेट करना हो, CPM की तरफ से हर जगह येचुरी ही नजर आते थे। 1952 में आंध्र में काकानीडा के मूल निवासी सीताराम येचुरी का जन्म चेन्नई में हुआ था। येचुरी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में हुई। छात्र जीवन के दौरान ही सीताराम येचुरी तेलंगाना आंदोलन से जुड़े। 1969 तक वो इसको लेकर होने वाले प्रदर्शन में भी भाग लेते रहे, लेकिन 1970 में दिल्ली आ जाने के बाद वे सक्रिय तौर पर इस आंदोलन से अलग हो गए। तेलंगाना का आंदोलन आंध्र से तेलंगाना को अलग करने के लिए किया गया था। 2013 में यह आंदोलन सफल हुआ और UPA की सरकार के वक्त आंध्र का विभाजन हुआ। येचुरी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आए। येचुरी यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। सीताराम येचुरी साल 1977 से लेकर 78 तक JNUSU के प्रेसिडेंट पद पर भी रहे। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। येचुरी उस वक्त JNU में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने आपातकाल का विरोध करने के लिए संयुक्त स्टूडेंट फेडरेशन का गठन किया। इस संगठन के बैनर तले येचुरी ने इंदिरा के घर तक आपातकाल के विरोध में मोर्चा भी निकाला। इंदिरा ने जब विरोध का कारण पूछा तो येचुरी ज्ञापन पढ़ने लगे। उन्होंने अपने ज्ञापन में ये लिखा था कि एक तानाशाह को यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के पद पर नहीं रहना चाहिए। आपातकाल के दौरान इंदिरा JNU में एक कार्यक्रम करना चाहती, लेकिन छात्रों के विरोध की वजह से उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। आखिर में इंदिरा गांधी ने JNU के चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के कुछ दिन के बाद सीताराम येचुरी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इमरजेंसी के दौरान सीताराम येचुरी को उसी जेल में रखा गया जिसमें अरुण जेटली थे। 1978 में सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव बनाए गए। 1984 के अंदर येचुरी को इस संगठन का प्रमुख बनाया गया। येचुरी SFI के पहले प्रमुख थे जो बंगाल और केरल से नहीं थे। SFI में रहने के दौरान येचुरी ने बंगाल और केरल के बाहर संगठन का विस्तार किया। येचुरी इसके बाद साल 1992 में CPM के पोलित ब्यूरो में चले गए। पोलित ब्यूरो के सदस्य बनने के बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति करनी शुरू कर दी। साल 2004 के अंदर NDA के खिलाफ संयुक्त रूप से विपक्षी मोर्चा बनाने में सीताराम येचुरी ने पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन CPM महासचिव सुरजीत सिंह के साथ सभी दलों को जोड़ने का कार्य किया। 2004 में संयुक्त UPA ने केंद्र की NDA को हटाने में सफलता हासिल की। 2004 के अंदर मनमोहन सरकार बनने के बाद UPA के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने में भी येचुरी का अहम योगदान रहा। साल 2008 के अंदर जब CPM ने कांग्रेस से समर्थन वापस लेने का फैसला किया तो येचुरी इसके विरोध में उतर आए। उन्होंने पार्टी के लिए इसे खतरनाक बताया। हालांकि पोलित ब्यूरो के फैसले की वजह से येचुरी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाए। साल 1905 में राज्यसभा के जरिए ऊपरी सदन में पहुंचने वाले सीताराम येचुरी 2015 में CPM के महासचिव बने। उस वक्त CPM की त्रिपुरा में सरकार थी और केरल बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी थी। 2016 में केरल की सत्ता में तो CPM आ गई, लेकिन बंगाल और त्रिपुरा में साफ हो गई। CPM जान फूंकने के लिए येचुरी ने कई प्रयोग किए। इसमें कांग्रेस के साथ संगठन, धर्म और जाति की राजनीति को सिरे से नकारना शामिल है। हालांकि येचुरी का कोई भी प्रयोग काम नहीं आया और CPM केरल छोड़कर कहीं पर भी सफल नहीं हो पाए। हाल ही लोकसभा चुनाव में भी CPM को देश की 4 सीटों पर ही जीत हासिल हुई, जबकि पूरे देश में उसने सिर्फ 1.76% ही वोट मिल पाया था।